नमस्कार, दूरदर्शन खबरों में स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। तो पहला पेश ने चोणवी खबर। विजय रूपाणी वालों अस्तीफा दिते जाण मगरों गुजरात में नवे मुख्यमंत्री की चोण लई सियासी गतिविधियां तेज। दो केंद्रीय मंत्रियों मांडविया ते रुपाला समेत छे उम्मीदवार अहुदे दे दावेदार। नवे नेता की चोण लई बीजेपी विधानकार पार्टी की मीटिंग अज बाद दोपहर 3 बजे गांधीनगर में। सूचना के प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद के इतिहासिक शिकागो भाषण की 128वीं वरेगंढ से जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों संबोधन किया। कहा भारत अध्यात्मवाद और सूचना तकनोलॉजी दियां दोहां ताकतां ते यकीन रखने वाला देश है। केंद्र ने राष्ट्रीय आयुष मिशन अधीन आयुष कॉलेज खोलने लई दित्ती जाण वाली आर्थिक सहायता 9 करोड़ तो वधा के 70 करोड़ रुपए की। देश विच कोविड महामारी दे 28,591 नवे मामले दर्ज किए गए। सेहतयाबी की दर 97.51% हुई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम अधीन हुण तक 73,82,00,000 तो वध खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। पंजाब सरकार वल्लों सूबे दे पेंडू बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन दे हुकम। नाबार्ड वल्लों मंजूर कीते गए 1,000 करोड़ रुपए तो वध दे प्रोजैक्टां नूं तरजीह देण दी हदायत। इंग्लैंड की एमा राडुकानो ने महिलावां दे सिंगल्स यूएस ओपन का खिताब जितया। कैनेडा की लेला फर्नांडिस 6-4, 6-3 नाल 2 सीधे सैटा विच हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वालों अपने अहुदे तो अस्तीफा देन जाण मगरों नवे मुख्यमंत्री की चोण लई सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने थां ते बीजेपी विधानकार पार्टी का नवा नेता चुनने लई गांधीनगर में अज बाद दोपहर 3 बजे मीटिंग सदी गई है। इस मीटिंग दौरान नवे नेता की चोण प्रक्रिया लई दो केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी नूं ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। सूत्रों अनुसार दो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरशोत्तम रूपाला तो इलावा गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, सूबे के खेती मंत्री RC फालदू, सूबे के बीजेपी प्रधान CR पाटिल, गुजरात बीजेपी के नेता और विश्व हिंदू परिषद नाल जुड़े गोर्दन जदाफिया भी मुख्यमंत्री के अहुदे लई मुख दावेदार मने जा रहे हैं। जिक्रयोग है कि गुजरात विधानसभा दी चोण अगले साल होनिया ने। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारी कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं बरसी से उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की। पुडुचेरी के अपने 3 दिन दौरे दौरान अज सवेरे पुडुचेरी के हवाई अड्डे से पहुंचन मगरों वह सीधे सुब्रमण्यम भारती यादगार अजायब घर गए और उत्थे उन्होंने चित्र से फुलमाला चढ़ा के श्रद्धांजलि भेंट की। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदराराजन और मुख्यमंत्री N. रंगासामी भी उन्होंने नाल सांझे करे हुए हैं कि भारती की 100वीं बरसी कल मनाई गई सी। सूचना के प्रसारण और युवा मामलों के खेडों बारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत अजिहा देश है जो अध्यात्मवाद की शक्ति विश्व की अगवाई लई सॉफ्टवेयर की शक्ति इस्तेमाल करने में यकीन रखता है। नवी दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों स्वामी विवेकानंद वालों शिकागो में दिए गए इतिहासिक भाषण की 128वीं वरेगंढ मौके संबोधन करद उन्होंने कहा कि भारत नवे विचार नवीनतावान ददर कीमतों अगे वधाने अपना ध्यान केंद्रित करने वाला देश है। उन्होंने कहा कि जिंदगी विच सानू हर पल नवीं चीज़ां सीखण नूं मिलदियां ने। उन्होंने नौजवानों अपील की है कि वह अपने हुनरां नूं अपग्रेड करना जारी रखण तां जो 21वीं सदी विच भारत विश्व विच सब तो वड्डी हुनरमंद मनुखी शक्ति उपलब्ध करवाउण वाला देश बन सके। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार ने देश विच होर वधेरे आयुष कॉलेज खोलने लई दित्ती जाण वाली वित्तीय सहायता 9 करोड़ रुपए तो वधा के 70 करोड़ रुपए कर दित्ती है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी भारत विच गिणती दे कुछ ही आयुष कॉलेज ने अते रवायती भारतीय दवाई प्रणालियां नूं होर वधेरे योग्यता वाले डॉक्टरां दी उपलब्धता नाल प्रसिद्ध किया जा सकता है। गुवाहाटी विच कल एक समागम नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि राज्यां नूं चाहीदा है कि वह राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा निर्देशों अनुसार मनुखी शक्ति अते मौकियां दी प्राप्ति लई केंद्र सरकार की इस नीति का लाहा लैण अते आयुष कॉलेजां दी स्थापना के काम नूं यकीनी बनाउण।
भारत में कोविड 19 महामारी के नवे मामलों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटों दौरान देश में 28,591 नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस तो पहले दर्ज किए गए 33,376 मामलों नालों तकरीबन 5,000 घट ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार इन नवे मामलों नाल देश में पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 3,32,36,921 हो गई है, जबकि 3,24,09,345 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बीते दिन 34,848 मरीज ठीक हुए ने अते देश विच कोरोना तो ठीक होने वालों की दर 97.51% हो गई है। मंत्रालय अनुसार देश विच इस वेले कुल 3,84,921 एक्टिव मामले ने, जो पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.16% बनते हैं। बीते 24 घंटों दौरान 338 कोरोना मरीजों की मौत होने नाल देश में इस महामारी कारण मरण वाले व्यक्तियों की गिनती 4,42,655 हो गई है। सेहत मंत्रालय अनुसार देशव्यापी टीकाकरण मुहिम नूं लगातार तेज़ हुंगारा मिल रहा है अते हुण तक 73,82,00,000 तों वध टीके दीआं खुराकां दित्तीआं जा चुक्कीआं ने, जिन्हां विच दित्तीआं गईआं 72,86,883 खुराकां वी शामिल ने। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के अतवादियों विचाले अज सवेरे उस वेले मुकाबला शुरू हो गया, जदों कुछ अतवादियों के मौजूद होने की खुफिया इतलाह मिलन ते सुरक्षा बलों ने जिले के डोरीमाल अते बरोट पिंडां नूं घेर के तलाशी अभियान शुरू कर दिता। फौजी सूत्रों अनुसार सुरक्षा बलों ने उत्थे लुके हुए अतवादियों नूं बाहर कढ़न लई जदों गोलियां चलाईआं तां जवाब विच अतवादियों वल्लों वी गोलियां चलाईआं गईआं ते इस दे नाल ही मुकाबला शुरू हो गया। सूत्रों अनुसार मुकाबला जारी है अते होर वेरवियां दी उडीक कीती जा रही है। पंजाब विच पेंडू बुनियादी ढांचे दे विकास दे रफ्तार नूं तेज़ करन लई सरकार ने नाबार्ड दे 1,022 करोड़ रुपए दे प्रोजैक्टां नूं तेज़ी नाल शुरू करन दा प्रोग्राम उलीकिया है। नाबार्ड तो सहायता प्राप्त वख-वख प्रोजैक्टां दी प्रगति दी समीक्षा मीटिंग दी प्रधानगी करदिआं सूबे दे मुख सकत्तर विनय महाजन ने कहा है कि यह प्रोजैक्ट चालू वित्तीय साल दौरान पेंडू इलाकिआं विच बुनियादी ढांचे दे विकास नूं यकीनी बनाउणगे। उन्हां सारे ही प्रशासनकी महकमिआं नूं हदायत दित्ती है कि उह नाबार्ड तो प्राप्त फंडां दा सही ढंग नाल इस्तेमाल करन ते प्रोजैक्टां नूं मुकम्मल करन दे काम विच तेज़ी लिआउण। नाबार्ड दे पंजाब दे चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर राजीव सवाज ने कहा कि नाबार्ड वल्लों 714 करोड़ रुपए की लागत वाले सूबे दे 4 प्रोजैक्टों नूं पहले ही प्रवानगी दी जा चुकी है। सूबे दे 2 होर प्रोजैक्टों की मंजूरी प्रक्रिया अधीन है। इंग्लैंड की उभर रही टैनिस खिडारन एमा राडुकानू ने महिलावां दे सिंगल्स यूएस ओपन टैनिस विच कैनेडा की लैला फर्नांडिस नूं हरा के यूएस ओपन का खिताब अपनी झोली विच पा लिया है। बीते 53 सालों में यह खिताब जितने वाली वह इंग्लैंड की पहली महिला खिलाड़न बन गई है। 18 वर्षों की एमा राडुकानू ने बीती रात न्यूयॉर्क के आर्थर एशे स्टेडियम में हुए शिखर मुकाबले में अपनी कैनेडियन विरोधी लैला फर्नांडिस 6-4, 6-3 नाल 2 सीधे सैटों में हराया। वह बीते 44 वर्षों में ग्रैंड स्लैम सिंगल का खिताब जितने वाली बरतानिया की पहली महिला खिडारन बन गई है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबैथ ने राडुकानू नूं उसकी कामयाबी से वधाई दी और कहा कि यह उसकी सख्त मेहनत और समर्पण का सबूत है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वधाई देंदिया कहा कि उसने खेड विच विशेष हुनर का प्रदर्शन किया है। पिछले 3 दिनों तो पै रही बारिश और तेज़ हवावां चलन नाल मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश होने नाल लोगों को गर्मी और हुमस तो वधेरे राहत मिली है। पंजाब के जलंधर समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों तो पै रही भारी मीह नाल तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जलंधर में भी हो रही बारिश कारण शहर के नीवे इलाकों में पानी भरन सड़कों पर बरसाती पानी जमा होने की खबरां ने। मौसम विभाग अनुसार अमृतसर, बठिंडा, बरनाला, लुधियाना, फरीदकोट, मुकतसर, फाजिलका विच भारी मीह पिया है, जिस नाल इन्हां शहरां विच सड़कां ते नीवीं थावां विच पानी भर गया है। अमृतसर विच 124.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ दफ्तर अनुसार अगले 24 घंटों दौरान पंजाब विच वख-वख थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश अते गरज चमक नाल छिट्टे पैण दी संभावना है। उधर दिल्ली विच भी भारी मीह पिया है अते मानसून मौसम दौरान दिल्ली विच हुण तक रिकॉर्ड 1,136.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले 46 सालों में सब तो वध है। ते खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन समाप्त होंदा है। ते इजाजत, नमस्कार।